हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बनाएंगे ढोकला। ढोकला गुजराती डिश है लेकिन खाई सभी जगह जाती है। ये आज हम उस सब का प्रीमिक्स ढोकला बनाएंगे। इस ढोकले पर आपको कुछ नहीं मिलाना होता है, वैसे सारी सामग्री और जो जो इसमें मिला हुआ है, कैसे बनाना है, सारा पैकेट के पीछे लिखा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको बताती हूँ। ये देखिए, ढोकला बहुत अच्छे से बन जाता है और बहुत इजीली बन जाता है। इस ढोकले को हमने पैकेट को काटा, फिर इसमें एक भगोनी में इसका पूरा प्रीमिक्स निकाल दिया। ये देखिए कितना अच्छा सा दिख रहा है ना। इसमें सब कुछ मिला है, आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, नमक सोडा कुछ भी नहीं, सब कुछ मिला है टोटल पूरा। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसको पानी डाल देंगे। ये देखिए, पानी हम उतना ही डालेंगे जितना इस ढोकले में ज़रूरत रहेगी, और पानी डालते डालते हम इसको मिलाते भी जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। ये देखिए, अच्छे से हम इसको मिलाएंगे बढ़िया से। और ये ढोकला क्या रहता है ना कि बहुत जल्दी बनने वाली डिश है, बहुत जल्दी बन जाता है। इसको इस तरीके से हमने एक ही सेट मिला दिया है बढ़िया से। और ये देखिए कितना कम था ना कटो उस भगोनी में, और ये देखिए पूरा ऊपर तक आ गया, पूरा ऊपर तक आ गया। इसलिए आप भी ना बड़ा बर्तन लीजिएगा, क्योंकि ये ना फूलता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है। और इसको मिक्स करने में मुझे एक गिलास पानी लगा है बिल्कुल। और आप जब इसको बनाएंगे ना तो पानी अपने अनुसार से डालिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इसमें पानी की कितनी ज़रूरत है। बस ये इस तरीके का हो जाएगा। ये देखिए, इसको ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, ये इसी टाइप का रहेगा। फिर मैंने इसको ना एक बार नई ट्रिक से बनाया है ताकि ना ये इडली भी बन जाए, इडली भी लगे और ढोकले का ढोकला लगे। क्योंकि क्या होता है ना, हम वो बड़े सांचे में ढोकला बनाते हैं तो कभी क्या होता है, कभी कभी बीच में कच्चा रह जाता है, तो उससे ना फिर वो कच्चा कच्चापन टाइप का आता है। लेकिन हाँ, मैंने सोचा कि इसको नया रूप दिया जाए, इसलिए मैंने इडली मेकर गैस पे रखा और ये इडली मेकर के सांचों में इसको डाल दिया मैंने। ये देखिए कितना बढ़िया फूल गया ना, बिल्कुल बढ़िया सा। और यकीन मानिए, इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है इडली मेकर में भी। ये देखिए बिल्कुल जालीदार ढोकला बना हुआ है। ये देखिए कितने अच्छे से निकाल दिया हमने। और जब हम बनाएंगे ना तो जो सांचे हैं उसमें आपको तेल लगाना हो थोड़ा सा तो लगाइए, नहीं लगाना हो तो मत लगाइए, ये इजीली निकल जाता है। इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई भी इतना तामझाम वाली रेसिपी नहीं है। ये देखिए जालियाँ देखिए आप, कितनी बढ़िया जाली बनी हुई है, कितना बढ़िया खमंड उठा हुआ है, इतना टेस्टी स्पॉन्ज ही बना हुआ है कि कुछ कह नहीं सकते। अब हमारी इडली तो, ढोकला इडली तो तैयार हो गई है। अब हम इसको इसके ऊपर डालने वाला वो तड़का बनाएंगे, जिसके लिए हमने लिया हरी मिर्च और हमने लिया है थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अब इसको हमने काट लिया है और कड़ी पत्ते को वॉश कर लिया है। अब इसमें हम ज़्यादा क्या बोलते हैं, अगर आप ज़्यादा मिर्ची पसंद करते तो ज़्यादा डाल दीजिए, और लंबी वाली मिर्ची पसंद करते हैं कटी हुई तो वैसे भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ना एक कटोरा लिया है, उस कटोरे में थोड़ा सा राई डाल दिया और ये सब मिर्ची और कड़ी पत्ता डाल दिया। इसके अलावा कुछ नहीं डालना है, बस अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लिया और उसमें पानी डाल दिया, जो मिक्स बनाया है ना उसमें पानी डाल दिया। क्योंकि ये जो मिक्स है ना, ये हम ढोकलों पर डालेंगे, इसलिए क्योंकि ढोकले फिर टेस्टी लगने लगेंगे, बिल्कुल बहुत यम्मी वाला फ्लेवर। ये देखिए हमने पानी डाल दिया इसमें, और उस पानी में कई लोग ना चीनी डाल देते हैं, लेकिन आप इसमें चीनी मत डालिएगा क्योंकि ये प्रीमिक्स है ना, इसमें चीनी मिली हुई रहती है। ये देखिए हमने इतने बढ़िया से इसको पूरे में फैला के डाल दिया है और ये अच्छे से डल गया है पानी, और बहुत यम्मी सा ढोकला हमारा बनके रेडी हो गया है। और आप बच्चों के टिफ़िन में भी इसको रख सकते हैं, ये टिफ़िन रेसिपी भी है। और आप चाहें तो बढ़िया घर में स्नैक्स के रूप में भी खाइए, कोई गेस्ट आता है तो उसको भी दीजिए, वो भी देखेंगे अरे वाह क्या बात है। क्योंकि ये बस बन गया है, आप इसको दीजिए, बस इसको इंजॉय कीजिए। ये देखिए कितना यम्मी दिख रहा है, जालीदार है, आप खुद देख के समझ जाएंगे ना कि ढोकला बना कितना टेस्टी और यम्मी है। अच्छा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसी छोटी छोटी रेसिपीज़ ना आपको दिखाती रहूँगी। और ये देखिए मैं स्पून से भी काट रही हूँ, एक हाथ से काट रही हूँ ना, दूसरे से फ़ोन पकड़ी हुई हूँ, इसलिए देखिए कितना स्पॉन्जी है, देखिए कितना इजीली कट गया है ये। ये देखिए बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी है। आप भी बनाइएगा इस ढोकले को और मेरे साथ अपने अनुभव को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप भी खाइए।